दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ पुणे किसान प्रदर्शनी के अंदर। दोस्तों ये किसान प्रदर्शनी 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये किसान प्रदर्शनी लग रही है। तो आज मेरी पुणे में जो है एक सोलर कंपनी के ऊपर नज़र पड़ी हुई है। यहाँ पर किसान भाई बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे कौन सी कंपनी है, कहाँ कहाँ ये आपको सोलर वाटर पंप मिलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले अपना किसान भाइयों को छोटा सा परिचय कराइए, अपनी कंपनी का परिचय कराइए। जी 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 जी, हम इकोजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है। जी, इकोजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है ये 2010 से स्टार्ट हुई है। जी, अपनी कंपनी जो है ये सोलार वाटर पंप बनाती है। जी, अपने लगभग पूरे देश में 160,000 से ज़्यादा पंप लगे हुए हैं। अच्छा, जिसमें सारे मेजर जो स्टेट्स हैं जी, नॉर्थ से लेके दिल्ली, हरियाणा से लेके तो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक सारे स्टेट्स में, इवन आसाम में, सब जगह पे इंस्टॉलेशन है। जी, अपनी खुद की टीम है पूरे कंट्री में। जी, लगभग 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। जी, और इसके अलावा हमारा और एक सिस्टम है जो है सोलार कोल्ड स्टोरेज। तो सोलार कोल्ड स्टोरेज आप ये साइड में देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने 2 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज अभी यहाँ पर लगाया है। जी जी, इस तरीके से अपने 5 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन, इससे अलावा आपको 20-30 मेट्रिक टन इस तरीके के जो सारे कैपेसिटीज चाहिए जी, उस सारे कैपेसिटी के अपने कोल्ड स्टोरेज में आते हैं वाटर पंप के ऊपर, क्योंकि बिजली के दाम दिन रात बढ़ रहे हैं। हाँ जी, किसान भाई बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता और किसान भाई काफ़ी परेशान हो जाता है कि अपनी सिंचाई ना करते हुए। मैंने यहाँ तक देखा है कि जहाँ तक क्या किसानों का मान के चलो 1 एकड़ खेत है, तो किसान भाई दूसरा पड़ोसी क्या करता है कि वो उसे पानी नहीं देता अपने सिंचाई का जो है, तो उस किसान का वो खेत बेचारे का सूख जाता है। वो कहता है कि ये मुझे जो है बटाई पे या ठेके पे मुझे देगा, ये इसे मैं रख लूँगा जो है। जी जी। तो सर ये आपने बहुत अच्छा वाटर पंप का काम किया है। अभी बताइए सोलर वाटर पंप जो आपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, ये कितने HP का है सर? अभी जो यहाँ पर लगा हुआ है जी, ये 3 HP का सेटअप है अपना। अच्छा, तो इसमें 3 HP का पंप मोटर कंट्रोलर लगा है। हाँ। इसमें आप देख सकते हैं लगभग 9 पैनल लगे हुए हैं। जी, ये 3 किलोवाट के पैनल लगे हैं। जी, तो इसमें अपने अलग अलग कैपेसिटी के पंप आते हैं, 1 HP से लेके 10 HP तक। जी, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10 इस तरीके के अलग अलग कैपेसिटी के जी पूरे सेटअप आते हैं। जी, उसमें पैनल्स भी अपने मोनो और पॉली दोनों तरीके के पैनल अपने पास अवेलेबल है। जी, पंप भी आप देखेंगे तो सबमर्सिबल पंप भी आते हैं, सरफेस पंप भी आते हैं, AC पंप आते हैं, DC पंप आते हैं। तो जिस हिसाब से सुविधा होगी किसानों को और जिस तरीके से उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पूरा सेट 1 HP से लेकर 10 HP तक सोलर वाटर पंप का आप जो है ट्यूबवेल किसानों के लिए लगा सकते हैं। जी जी, किसान दोस्तों इधर आप देख सकते हैं ये जो है लगा हुआ है सोलर वाटर पंप का, इन्होंने जो है यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। देखिए क्या बेहतरीन ये पानी का प्रभाव कर रहा है, एकदम जो है ज़बरदस्त बिल्कुल जो है। अब सर हम बात करते हैं ये इसका जो है, ये बताइए कि कौन सी है, ये नीचे से भी करंट दे करती है क्या दोनों तरफ से? अभी यहाँ जो लगी है हाँ, ये पॉली वाला पैनल है। अच्छा, पॉली वाला है, पॉली पैनल है। हाँ, हमारे मोनो पैनल्स भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों को जिस तरीके से पैनल चाहिए उस हिसाब से पैनल्स भी अलग अलग किस तरीके से मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी कंपनी जो है ये सब्सिडी में भी PM कुसुम योजना है। अच्छा, उसमें भी रजिस्टर्ड कंपनी है। हाँ। और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है अपना पूरा कंट्री में। जी, तो PM कुसुम के योजना के थ्रू भी अगर कोई किसान भाई उसमें अप्लाई कर रहा है जी, तो उसमें भी इकोजेन सॉल्यूशंस नाम से आप हमारी कंपनी का सबसे पंप सेट ले सकते हैं। भारत सरकार जो है कुसुम योजना के तहत किसान भाइयों को सोलर वाटर पंप की जो है 3 HP से लेकर लगभग मुझे लग रहा है 10 HP तक ट्यूबवेल उपलब्ध करा रही सोलर वाटर पंप जो है। जी जी जी। तो इसमें किसान भाइयों को क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है थोड़ा सा बताइए। हर राज्य में मिलेगा ये सब्सिडी? ये तो भारत सरकार की तरफ से है, लेकिन उसमें कई जगह पे राज्य सरकारों का भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। जी, तो उस हिसाब से कुछ राज्यों में अभी ये स्कीम बहुत अच्छे से लागू हुई है। जी, जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, राजस्थान, जी, UP जैसे स्टेट्स में अभी आ रही है। जी, बट कई सारे स्टेट्स है जहाँ पर इतनी इफेक्टिवली अभी सब्सिडी स्कीम नहीं अप्लाई हुई है। जी जी, जो राज्य सरकार है उसके हिसाब से उसमें सब्सिडी भी कम ज़्यादा होती है। कई जगह पे 90% तक सब्सिडी है, कहीं पर 70% है, इस तरीके से अलग अलग प्रतिशत में सब्सिडी मिलती है। अच्छा, किसानों को इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जब भी इसका PM कुसुम योजना का फॉर्म आता है जी,
वो भर के अगर आपके खेत में बिजली बिल्कुल नहीं है या आसपास भी बिजली का कनेक्शन नहीं है तो हो सकता है आपको ये सब्सिडी मिल पाएगा जी, परंतु ये डिपेंड करता है क्योंकि सब्सिडी में लिमिटेड नंबर ऑफ पंप सेट मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा किसान भाई उसमें अप्लाई करते हैं, तो कई बार किसानों को दो दो चार चार साल तक ये सब्सिडी नहीं मिल पाती। अगर ऐसी अगर कोई ये है कठिनाई है कि सब्सिडी नहीं मिल रही है जी, तो ऐसे केस में हम किसानों को प्राइवेट में भी पूरा सेट अच्छे दामों पे अच्छे क्वालिटी का पूरा सपोर्ट देके लगवा के दे सकते हैं। इस समय जैसे पुणे किसान मेले चल रहा है और इस समय वीडियो को देखकर या आपको यहाँ पर आकर बुक कराता है तो कितनी छूट लगभग कंपनी कर रही है लगभग? तो अभी जो प्राइस है आपकी पंप सेट की, अभी अगर कोई किसान आके तुरंत यहाँ पर पेमेंट करके बुक करवाते हैं तो लगभग हम 15-20% तक छूट दे रहे हैं, बट ये सिर्फ हमारा अभी जो किसान एक्सपो लगा हुआ है उसी के लिए स्पेशल ऑफर है जी, जो बाद में शायद नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर बात करते हैं, इधर दिखाइए थोड़ा सा जो है इसका सेटअप। तो इसमें जैसे क्या मोटर का सिस्टम बताइए थोड़ा सा, जैसे क्या हमने नीचे क्या देख रहे हैं हम इसमें, ये आपने मोटर रखी हुई है इसमें जो है? जी जी। और ये इधर आपने लगा रखा है इसका सेटअप तैयार करने ये वाला? जी। इसमें वोल्टेज वगैरह कैसे कैसे दिखता है थोड़ा सा कैमरामैन जी से कहूँगा दिखाइए थोड़ा सा, तो कैसे कैसे रहता है सर इसका बताइए थोड़ा सा। तो देखिए अपना जो कंट्रोलर है अभी ये 3 HP का कंट्रोलर है, 3 HP की मोटर के हिसाब से। बिल्कुल। तो इसमें जैसे जिस कैपेसिटी का हम सिस्टम लगाते हैं उसी कैपेसिटी का उसका कंट्रोलर लगता है जी, और उसी हिसाब से उसकी मोटर और पंप का कैपेसिटी भी डिसाइड होता है। जी जी जी। अभी ये जो कंट्रोलर है इसकी विशेषता ये है जी, ये एक तो आप देखोगे IP65 रेटेड कंट्रोलर है। बिल्कुल। जो आंधी धूप पानी इन सभी से सुरक्षित रहता है, आपके कंट्रोलर में कोई भी इसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है इसमें रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है जी, जिसके वजह से किसान भाई उनके घर पे बैठे बैठे मोबाइल से पंप को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, उसका शेड्यूल बना सकते हैं कब चालू करना है कब बंद करना है, उसमें अगर कोई फॉल्ट आया तो वो भी आपको उसमें ऑनलाइन पता चलता है, जिससे हमारी सर्विस टीम जो है आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से तुरंत सपोर्ट कर सकती है जी। और उसमें आप पंप चालू है बंद है उसमें कितना दिन में पानी निकला ये सारी चीज़ें आप मोबाइल में देख सकते हैं। अच्छा। तो ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा वाला। इसके अंदर सिम वगैरह कुछ लगा हुआ है क्या सर? इसमें 4G वाला सिम लगाया हुआ है। अच्छा। जिसमें लगभग 1 साल तक आपका ये पूरा जो सिस्टम है मोबाइल से आप चला सकते हो। अच्छा। उसके बाद में नाम मात्र शुल्क पर हर साल आप इसको रिचार्ज करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और सर हम बात करते हैं जैसे कि 3 HP का दिया है, इसमें कितनी प्लेट लगी हुई है? ये अभी पॉली पैनल वाला सेटअप है जिसमें 9 पैनल लगे हुए हैं। अच्छा, 9 पैनल लगे हुए हैं। अब सर हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं फसल के बाद, फसल तो हमने उगा ली सोलर वाटर पंप लगा लिया, हम चलते हैं अब जो है जैसे हम सब्जियों की मार्केटिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है सब्जियां बेकार हो जाती हैं, जैसे हम बागवानी खेती कर रहे हैं जी, तो कुछ किसान क्या होते हैं उन्हें सड़ने गलने से बचाने के लिए फ्रीजर लगा लेते हैं, तो मुझे लग रहा है सर ये वही है, बताइए थोड़ा सा जानकारी दीजिए इसके तो बारे में। ये है हमारा पेटेंटेड सॉल्यूशन जिसको हम इको फ्रॉस्ट बोलते हैं जी जी। तो इको फ्रॉस्ट ये सोलार कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है अपनी जी, जिसमें हमारे 2 मेट्रिक टन से लेके जी तो 5 मेट्रिक टन 10 मेट्रिक टन इसके अलावा हम 20-30-40-50 मेट्रिक टन तक भी सॉल्यूशन दे सकते हैं जी जी। इसमें आप देखोगे तो ये पूरा जो रूम बना है जी ये इंसुलेटेड पफ से बनाया हुआ है। अच्छा। जिसके वजह से अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होता है और ऊपर सोलार पैनल लगे हैं तो दिन में आप सोलार से पूरा सोलार की ऊर्जा से ये कूलिंग कर रहे हो। अच्छा। इसके अलावा इसमें बैकअप भी लगाया हुआ है जी जो आपको लगभग 30 घंटे तक बिना सौर ऊर्जा के भी इसको पूरा मतलब कहने का मतलब आपका ये है दिन भर ये अब जो इसे भी काम करेगा और इसका बैकअप भी तैयार करेगा रात के लिए जी जी। ये जो है दिन में तो काम करेगा करे, रात में जो इस टाइम क्या सूरज नहीं निकलता है सन तो उस टाइम भी 30 घंटे तक काम करे जी जी। फिर सुबह सूरज निकल ही जाएगा फिर सब्जी हमारी फल फ्रूट हमारे सेफली रहेंगे सेफली रहेंगे मंडी में हमें दाम अच्छा मिल जाएगा फिर अच्छा मिलेगा। दूसरा चीज इसमें जो बैकअप है ये बैकअप हमारा एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज कहते हैं जी। तो हम नॉर्मल बैटरी नहीं लगाते हैं ये थर्मल स्टोरेज बैटरी रहती है जिसके वजह से आपको मेंटेनेंस नहीं लगता है खर्चा कम होता है
और चलाने में भी आसान होता है। थोड़ा सा दिखाइए थोड़ा सा जी। किसान साथियों देखिए, ये यहाँ के इसका लोकर है पूरा, और इसमें हम जाते हैं। आप देखिए, ये किसान भाई देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें देखिए, यहाँ से जा सकते हैं आप। ये सब कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए आप। और ये कितना बड़ा हुआ सिस्टम ये लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, पूरा बड़ा। इसके अंदर टेम्परेचर की बात करें सर, टेम्परेचर कितना है लगभग? अच्छा, बाहर दिखाइए थोड़ा सा टेम्परेचर। तो दोस्तों देख सकते हैं, पूरा कूल्ड हो रहा है, बिल्कुल एकदम ठंडा। और इसमें एक बार दोस्तों दिखाइए टेम्परेचर कितना सर, बताइए इसमें। अभी ये पूरा धूप में खुला हुआ सिस्टम है। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर भी इसका टेम्परेचर 10 डिग्री दिखा रहा है। अच्छा, ये 4 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करता है। अच्छा, केवल पर्दे ही लगे हुए हैं अभी, जो पर्दे लगे हुए पूरा खुला हुआ। किसान आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हम डायरेक्टली से इसको सेफ रखें, बंद रखें, बिल्कुल, तो कितना टेम्परेचर तक लेके जाएगा? 4 डिग्री तक मेंटेन करता है ये टेम्परेचर। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास निगेटिव टेम्परेचर का भी यूनिट आता है। हाँ। जिसमें अगर आपके फिश है या फिर फ्रोजन फूड कुछ स्टोर करना है जी, तो उस केस में निगेटिव टेम्परेचर वाला भी यूनिट अपने पास मिलता है। इसके ऊपर आपने जो लगा रखा है, ये पूरा अपना जो रूम बना रखा है, तो ये कितनी प्लेटें इसमें लगाई हुई हैं अपने के लिए? ये जो सिस्टम अभी लगाया हुआ है, इसमें लगभग 10 प्लेट लगी है। 10 प्लेटें हैं जी। तो इसमें लोड की बात करते हैं, जैसे ये पूरी टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए इसमें सभी मशीनें लगी हुई हैं, तो ये कितना लोड लेके चल रही है थोड़ा सा बताइए। मेजरली आप देखोगे तो इसमें कंप्रेसर लगाया हुआ था। जी जी जी। जो कंप्रेसर डिपेंड करता है आपका कितना कैपेसिटी का जो यूनिट लगाया हुआ है, 2 मीट्रिक टन से लेके 10 मीट्रिक टन तक, उस हिसाब से उसका कंप्रेसर लगाया हुआ था होता जी जी। तो ये सबसे ज्यादा आपका कंजम्पशन करने वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला लोड होता है। अब सर जैसे क्या आपने तो ये काफी सेल किया है किसान भाइयों को जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अनुभव क्या रहे हैं इसके प्रति? जो है जैसे यहाँ फ्रीजर आपने लगाया हुआ है बड़ा वाला, ये जी जी। तो इसमें आप देखोगे तो इसका उपयोग आप फलों के लिए, फूलों के लिए, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कंपनी को जो आपने सेल किया है उनके क्या रिस्पॉन्स रहे हैं? सभी पहले बेकार हो जाते हैं ये जी 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 किसान का। तो इसमें कैसा है कि आपके फल जो होते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, बिल्कुल महाबलेश्वर में हमारे कुछ फार्मर्स भाई है, तो ये जब उगाते हैं फल, तो वो स्टार्टिंग में आपको भाव कम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चक्कर में कई बार किसान क्या करते हैं कि उसको 2-3-4 महीना स्टोर करते हैं जबकि भाव बढ़ जाए, लेकिन कई बार वो अच्छी तरीके से स्टोर होते नहीं है जी, जिसके वजह से भाव कम मिल जाते, वो खराब हो जाते हैं, तो आपका नुकसान हो जाता है। तो इसमें फायदा ये है कि आप इसको जब भाव बढ़ेगा उसके लिए अच्छी तरीके से स्टोर करके, जब अच्छा आपको दाम मिल रहा है उस दाम में आपको अच्छा उसमें इनकम मिल पाए। इनमें सोलर से पूरा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल रात में भी बैकअप से चल रहा है, तो ये कंटिन्यूस चल सकता है सिस्टम। और अगर धूप आपका बारिश का समय है जी, जहाँ पर कई दिनों तक अगर धूप नहीं मिल रही है जी, तो इसको ग्रिड का सप्लाई भी आप दे सकते हो, ऑप्शनल है जी। ठीक है जी। इसमें आप अगर दूसरी बात देखोगे कि जो कोई आप सब्जी डाल रहे हो इसमें स्टोर कर रहे हो, हमारा एक एप्लीकेशन आता है स्मार्ट मोबाइल में जी, जिसमें मान लीजिए आप संतरा, केली या फिर और कोई फल फूल डाल रहे हो, तो वो जस्ट उसमें फ़ोटो आएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, ये सिस्टम अपने आप उसके हिसाब से टेम्परेचर जो सेट करना है जी, जो ह्यूमिडिटी सेट करना है, वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, सोलर वाटर पंप के बारे में जानने के बाद में हमने फ्रीजर के बारे में इसमें जानकारी ली, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाइयों को पूरे देश में इसकी क्या डिलीवरी सोलर वाटर पंप की और फ्रीजर की मिल पाएगी क्या सर? जी, हमारे जो कोल्ड स्टोरेज और वाटर पंप है ये पूरे भारत में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हम कई अन्य कंट्री में भी देते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, बाद में आपके साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज है, तो ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हम सब जगह पे इंस्टॉलेशन करवा के देते हैं। भारत में तो कोई भी लोकेशन है तो वहाँ पर हमारी खुद की टीम सर्विस सपोर्ट और इंस्टॉलेशन सारा करके देंगे। किसान भाइयों, आज आपने सोलर वाटर पंप के अलावा आपने इस फ्रीजर जो आपने इसमें सब्जियाँ अपनी जो स्टोरेज कर सकते हैं, समय आने पर आप महंगे दाम आने पर आप इसमें बेच सकते हैं। तो आपको मैंने आज पूना किसान मेले से मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें आपने बढ़ चढ़ कर किसान भाई भाग लिया। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।